मुझे उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पहले तो आप लोग सारी फातिहा पढ़ते हैं। मेरी बहुत अच्छी सीनियर मेरी आप ही हैं, उनके भतीजे की भांजे की डेथ हो गई है, उसके लिए आप फातिहा पढ़ते हैं। मेन वेल मैम स्क्रीन शेयर कर। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं। वालेकुम अस्सलाम जी। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताएं। किसी को भी नहीं पता कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ेगा था। शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत तरक्की करेंगे आप लोग। अच्छा जी, रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन लिसनिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग। ये रीडिंग और लिसनिंग स्किल क्यों जरूरी है प्रॉपर स्पोकन के लिए? देखो, इन तीनों स्किल्स को कहा जाता है कि ये इंटरवोवन है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब क्या है कि अगर एक स्किल स्ट्रोंग होती है तो वो बाकी सारी स्किल्स को भी इफेक्ट करती है, यानी ये सारी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप एक स्किल में लैक करोगे तो बाकी चीजों को भी वो लैक इफेक्ट करेगा। लिसनिंग क्यों जरूरी है? लिसनिंग इसलिए जरूरी है कि जब हमने किसी की बात सुननी है, हमने उसे कंप्रीहेंड करना है, उसे समझना है। और रीडिंग का क्या फायदा है? रीडिंग हमारी वो क्या ब्रेन इंक्रीज करती है, रीडिंग हमें बताती है हाउ वी कैन यूज अ सिंगल वर्ड इन सर्टेन वेज। पहले मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज नॉट काइंड ऑफ रिच लैंग्वेज, जिसमें एक लफ्ज जो है बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा जी, हम रिलेशनशिप देखेंगे लिसनिंग रीडिंग और स्पीकिंग का। अब हम देखते हैं कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्यों जरूरी है। देखो, एक्टिव लिसनिंग की स्किल्स जो है वो की है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। जब हम एक स्पीक बंदे की बात सुन रहे हैं और हम उसे पूरी अटेंशन दे रहे हैं, तो उसका फायदा क्या होगा कि आपको उसकी बात समझ आ जाएगी और आप उससे बेटर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकोगे। अब आपने बेटर तरीके से रिस्पॉन्स किया तो उसका क्या फायदा हुआ? यू विल बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। अच्छा, बात समझ आई है मैंने क्या कहा है? कि एक बंदे की बात मैंने सुनी, उसके बाद मैंने उसे गौर से सुना, और उसके बाद गौर से सुनते हुए उस चीज को मद्देनजर रख के मैंने उसे आंसर दिया जो कि बिल्कुल अप टू डेट था। तो मेरी लिसनिंग स्किल्स ने मुझे क्या हेल्प दी, अगले बंदे को बेटर तरीके में समझने में और उसकी बात नॉलेज को कंप्रीहेंड करने में।
और क्या है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स जो है वो सुन सुन के बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के हर लैंग्वेज जो है उसमें साउंड्स हैं ढेर सारे, तो उन साउंड्स के को प्रॉपरली बोलना जो है वो हम दूसरों से सीखते हैं। फिर क्या है, ग्रुप डिस्कशंस क्या पार्ट प्ले करती हैं? ग्रुप डिस्कशन में एक तो आपको लोगों के पर्सपेक्टिव पता चलते हैं, आपको उनके आइडियाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तीसरी चीज ये है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो जाती है, चार बंदों में बैठ के बोलना आ जाता है, ठीक है, और आपको कोलेबोरेशन की अहमियत पता चलती है कि कोलेबोरेट के काम किस तरह से होता है। नहीं बच्चों, मेरी तबीयत वाकई ही ठीक नहीं है। गोट स्वेर एलर्जी अटैक, मुझे बहुत स्वेर एलर्जी अटैक हुआ है, और उस एलर्जी अटैक का रिजल्ट ये है कि मुझे फ्लू हो गया है, और वेरी मच हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा शदीद टेम्परेचर है मुझे, प्लस जिस बच्चे के लिए आपसे मैंने फातिहा पढ़वाई है उसकी डेथ का बहुत ज्यादा दुख है, तो इसलिए भी आई एम फीलिंग लो टुडे। आमीन आमीन। बच्चों दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका फर्ज और एक होता है आपकी मर्जी। मर्जी उन चीजों में चलती है जो आपकी फर्ज नहीं होती है। आपको पढ़ाना एक मेरा एक फर्ज है, उससे मैं साइड पे नहीं लेके जा सकती। अब मैथ्यू बेटा आप अपना ना इंटरनेट कनेक्शन देखो, स्क्रीन परफेक्ट है मेरी तरफ से। नहीं बस हम आज पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, आई एम रियली ओके विद। आपका भी वक्त जाया होगा, आपने मेरे इतना इंतजार किया होगा सुबह से, अब तक मैं क्लास खत्म नहीं कर सकती। बच्चों वोकैबुलरी को, ग्रामर को और ओवरऑल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को। हम बुक्स जब पढ़ते हैं नहीं, हमने तो जब हम नहीं समझ है। सॉरी बच्चों, कनेक्शन मुझे नहीं पता था, लॉस्ट हो गया। एक मैं ये लोगों मैंने मना भी किया है कि मुझे कॉल ना किया करें मेरे टाइम में, लेकिन ये लोग जानबूझ के जब कॉल करते हैं तो कनेक्शन जो है वो कहीं तो लॉस्ट हो जाता है।
चलें, जब तक स्क्रीन शेयर होती है, हम वैसे मैं आपको समझा कि हम ओवरऑल प्रोफिशिएंसी की बात कर रहे थे कि ओवरऑल प्रोफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है जब हम रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग करने में ओवरऑल प्रोफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है कि बेटा हमने एक वर्ड पढ़ा जिसका नाम है कंक्वेस्ट। अब मैं कंक्वेस्ट जब पढ़ती हूँ तो आपको नहीं पता कि इसमें के आता है, सी आता है या क्यू आता है, ठीक है? क्या स्पेलिंग होते हैं कंक्वेस्ट के, कौन बताएगा? कंक्वेस्ट यानी फतह कर लेना, कंकर कर लेना, कौन बताएगा स्पेलिंग इसके? किसी को भी नहीं आते हैं? क्यों आता है? अब जब मैं उसे बोल रही हूँ तो क्या है, तो वो आपको पता नहीं चला कि उसमें क्यों आता है, सी आता है, आता है, क्या आता है, ठीक है? अच्छा, तो क्या हुआ कि हम जब पढ़ा तो हमारी वोकैबुलरी एक तो इंक्रीज हुई, दूसरा हमें पता चल गया लिखा देख लिया। और देखो जिस तरह अंग्रेजी आता तो मैंने बोला, लेकिन मैं कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि वहां ना सी है ना खे है, ठीक है? तो ये चीज हमें क्या बताएगी, ये चीज हमें बताएगी। अब हम कंक्वेस्ट की स्पेलिंग होते हैं या खंग, खे से भी नहीं स्टार्ट होता, सी से भी नहीं, सॉरी सी भी नहीं आता इसके मिडिल में, खे आते हैं। अब आप लोगों ने कुछ नहीं के से स्पेलिंग लिखे, कुछ नहीं है कि हमें जरूरी है कि हम रीड आउट करें उस लैंग्वेज की चीजों को, डिफरेंट टेक्स्ट को, प्रीव्यू द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को स्किम करते हैं। स्किम क्या होता है कि एक पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ ली, एक पैराग्राफ की आखिरी लाइन पढ़ ली, ज्यादा लंबा टेक्स्ट है, पहली पहला पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा पैराग्राफ पढ़ा और दरम्यान का पैराग्राफ पढ़ लिया, जोट डाउन द पॉइंट्स, नोट्स बनाया करें, अनफेमिलियर वोकैबुलरी नजर आए। अभी तक टिल डेट हम क्या करते हैं, बच्चों मेरी आवाज थोड़ी कम निकल रही है, अच्छा अब क्या है, हम क्या करते हैं कि हमें कोई नया लफ्ज नजर आता है तो हम उस लफ्ज को लिख लेते हैं और उसके मीनिंग को सर्च करने लग जाते हैं, ठीक है? अब क्या इससे फायदा क्या होता है कि आपकी वोकेबलरी बढ़ती चली जाती है। कॉन्टेक्स्ट क्लूज को देखिए, अगर एक लफ्ज समझ नहीं आता तो उसके इर्द गिर्द वाले लफ्जों को देखिए तो आपको बेटर तरीके से वो समझ आ जाता है। रीड अलाउड, जब चीजें पढ़ रहे हो तो उन्हें ऊंची आवाज में पढ़ें ताकि आपको प्रॉपर पास और प्रॉपर नोटेशंस देने आए। फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ को हम देख लेते हैं, इसे अगर मैं ऊंची आवाज में पढ़ूं तो मैं कैसे पढ़ूंगी? रेकॉर्ड योर सेल्फ रीडिंग, यूज योर वॉइस रिकॉर्डिंग और ऐप टू रेकॉर्ड योर वॉइस वाइल रीडिंग अ पैसेज, लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाई एरियाज वेयर यू कैन इम्प्रूव इनोटेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? तो मैंने इसे ऊंची पढ़ा। अब अगर कोई लफ्ज है जिसके ऊपर मैं फंस जाती हूँ तो मैं क्या करूंगी, उस लफ्ज को या तो डिक्शनरी से चेक करूंगी या गूगल अंकल के पास ले जाऊंगी कि आप मुझे काइंडली इसका मतलब बता दें, ठीक है? अब अगर मुझे उसका मतलब नहीं भी आता तो मैं इर्द गिर्द वाले लफ्जों देखूंगी, जैसे रिकॉर्डिंग और एरियाज को देखूंगी और इम्प्रूव को देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये यहाँ ये आइडेंटिफाई जो लफ्स है इसका मतलब है कि मैंने एरर्स को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है। मैं एक नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलने की कोशिश करें, उनके साउंड्स को कॉपी करें, उनका स्टाइल कॉपी नहीं करना, उनके साउंड्स को कॉपी करना है। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस लेवल्स को देखें, बाज लोग होते हैं जिन्हें हर लफ्ज बहुत खेच खेच के बोलने की आदत होती है, लेकिन आपने वो नहीं करना, देखना है कहाँ खींचने की जरूरत है और ये भी देखना है कहाँ खींचने की जरूरत नहीं है। रीड अलाउड विद पार्टनर, किसी और बंदे के साथ भी आप ऊंची आवाज में
सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं 50 फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। द अर्ली बर्ड कॉच द वर्म, जो लोग स्टार्टिंग जल्दी से पहले से काम शुरू कर देते हैं उन्हें सक्सेस मिलती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस, लाउडर देन वर्ड्स, कि जो इंसान कह रहा होता है वो जो कहता है उससे कहीं मुख्तलिफ होता है। बाइट द बुलेट, डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन को करेज के साथ डील करना। ब्रेक द लेग, ये इसका ये मतलब नहीं होता कि जाओ टांग तोड़ा हो, इसका मतलब ये होता है कि किसी बंदे को गुड लक विश करना बिफोर अ परफॉर्मेंस, कि जाओ जाके रिकॉर्ड्स जो है उन्हें तोड़ाओ। कट टू द चेस, मेन पॉइंट्स के पर आओ, अननेसेसरी डिटेल्स को स्किप कर दो। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट्स पॉजिटिव टू बी फाउंड। हिट अ नेल ऑन हेड, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना या किसी चीज को एक्यूरेटली डिफाइन करना। इन द ब्लिंक ऑफ आई, कोई चीज जो बहुत क्विकली हो जाए। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, दो चीजों को एक सिंगल एक्शन से अकम्प्लिश कर लेना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग टू रिवील अ सीक्रेट, नो पेन नो गेन, सक्सेस और प्रोग्रेस रिक्वायर्ड एट फर्स्ट एंड सैक्रिफाइसेस। ऑन क्लाउड नाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी होना, पीस ऑफ केक, समथिंग जो बहुत ज्यादा ईजी हो उसे हम क्या कहते हैं, पीस ऑफ केक। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, रेगुलर प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आती है। बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये समझ आया है हम क्या पढ़ रहे हैं? कितने लोगों को समझ आया है? बच्चों कितने लोगों को समझ आया है? सिर्फ एक को समझ आया अभी तक? क्या नहीं समझ आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा बच्चों? क्या नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है समझ तो फिर रिप्लाई किया करें ना। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम्हारा टाइम है, इतना है कि तुम डिसीजन लो। द बोथ ऑफ बेस्ट वर्ड, दो एक सिचुएशन में जिसमें दो डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ऑन द सेम पेज, किसी का एक चीज के बारे में दो डिफरेंट लोगों का सेम ख्याल होना। टू गो एक्स्ट्रा माइल, एडिशनल एफर्ट पुट करना। टू किल टाइम, टू डू समथिंग टू ऑक्यूपाई वन सेल्फ एंड पास द टाइम। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म रहने दो। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, समराइज करना या ब्रीफ वर्जन देना किसी चीज का। स्टील समवंस थंडर, किसी के काम का क्रेडिट ले जाना। टर्न ब्लाइंड आई, इग्नोर करना या प्रिटेंड करना कि आपने कुछ नोटिस नहीं किया। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, जब बैड बुरी चीजें होती हैं तो बहुत ज्यादा होने लग जाती है। पेनी ऑफ योर थॉट, किसी को कहना कि आप अपनी अपने आइडियाज या अपना ओपिनियन शेयर करें इस बारे में। ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, एक चीज जो कि देखने में अच्छी लगती है हो सकता है वो रियलिटी में इतनी अच्छी ना हो। बेटर लेट देन नेवर, कोई काम ऐसे होते हैं जिन्हें बेहतर है कि कभी ना करने के बजाय हम थोड़ा लेट कर लें। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, किसी की पेरेंट्स के बेस पे आइडियाज जो है वो ना बनाए। गो टू दिस डिस्टेंस, गोल तक को रीच कर लेना। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, कोई चीज बहुत खूबसूरती से मुकम्मल की गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पीस ऑफ आर्ट। नो मैन इज एन आइलैंड, कोई बंदा जो है वो अकेला जजीरा नहीं है, कि हर एक को लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उन्हें इंटरकनेक्टेड रहने की जरूरत होती है। रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, रोम वाज अ ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ पास्ट। तो और जो बहुत खूबसूरती से बनी हुई थी, तो कहते हैं कि जो मेन चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं उन्हें करने में भी मेहनत लगती है। द एप्पल ऑफ माई आई, कोई ऐसा बंदा जिससे आपको बहुत मोहब्बत
तो द ग्लास ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. लोगों को लगता है कि दूसरों की सिचुएशन हमेशा जो है वो उनसे बेटर है. टू ब्रेक द आइस, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना टेंशन खत्म के लिए करने के लिए. टू हैव योर केक एंड ईट इट टू, दो डिफरेंट चीजों के बेनिफिट मिलना. टू मेक एंड्स मीट, बहुत मुश्किल से पैसा कमाना जिससे आपका गुजारा हो सके. बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सके. टू टेक अ रेन चेक, केक इनविटेशन को डिक्लाइन करना लेकिन कहना कि वो बाद में किसी वक्त हो सकती है. इन्हें याद कीजिए. और देखेंगे इन्हें कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आप लोग. टू हैंड्स आर बेटर देन वन, कोलैबोरेशन जो है वो बेटर होती है अकेले काम करने से. अंडर द वेदर, फीलिंग अनसेक, फीलिंग सिक या फीलिंग अनवेल, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसी चीज जो बहुत नेगेटिव लगती हो लेकिन वो बहुत बेनिफिशियल हो. अ डाइम अ डजन, कोई ऐसी चीज जो बहुत इजीली मिल जाती हो. वैसे डाइम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज को, लेकिन डाइम अ डजन इसका मतलब है ऐसी चीज जो अफरात में मौजूद हो. बाकी ऑफ द रोंग ट्री, गलत आदमी को इल्जाम देना. ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, कीट्स की लाइन है कि ब्यूटी का व्यू जो है वो पर्सन टू पर्सन बदलता रहता है. डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ऐसी चीजों के बारे में अपसेट होने की जरूरत नहीं जो चेंज ना हो सकती हो. कीप योर चिन अप, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स. स्पीक ऑफ द ड्यूवल, वो कहते हैं शैतान को बुलाया शैतान हाजिर, ऐसा बंदा जिसके बारे में बात की जाए और वो फौरन आ जाए. द स्ट्रॉ दैट ब्रेक्स द कैमल बैक, फाइनल इवेंट या प्रॉब्लम जिसकी सिचुएशन टोटली क्लैप्स हो गई हो. टू हैव चिप ऑन योर शोल्डर, ऐसा बंदा जिसे इजिली अफेंड कर दिया जाए. यू कांट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री. अब हमें पता है कि बिल्ली दरख्त पे चढ़ती है, एक मछली दरख्त पे नहीं चढ़ सकती. तो क्या है, हर बंदे की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन्हें हम किसी दूसरे की एबिलिटीज या स्ट्रेंथ्स के जज नहीं कर सकते या कंपेयर नहीं कर सकते. दैट वुड बी टोटली अनफेयर. ऑलराइट स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम अपने लेक्चर इतना आज के हमने अपने लेक्चर कवर कर लिया. हम अपने लेक्चर यहाँ ही एंड करते हैं. मैं ढेर सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.